पूरा देश जानने के लिए है बेकरार कि क्यों आखिर करना पड़ता जनवरी तक का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट की और बड़ा सवाल सबके जहन में यही है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी साल 2020 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या उसके बाद वो क्रिकेट को अलविदा कहेंगे, या उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सौरव गांगुली ने जो एक स्टेटमेंट दिया है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर, उस स्टेटमेंट में अगर जरा भी सच्चाई है तो एक बात तो तय समझिए कि महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट को अलविदा कहना साल 2020 में लगभग निश्चित माना जा सकता है। जिसी मुद्दे पे बातचीत भी करेंगे। मैं इस CPL ग्राउंड में इसीलिए आया हूँ कि यहाँ पे तमाम क्रिकेटर्स मिलेंगे और क्रिकेटर्स के उनके सही व्यूज जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रिकेट मैच भी चल रहा है। इन तमाम क्रिकेटर्स से बातचीत भी करेंगे और इनसे ये जानेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी को अब आगे क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर आप याद करें 9 और 10 जुलाई वर्ल्ड कप का वो मैच था जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी आखिरी बार क्रिकेट के मैदान पर नजर आए, उसके बाद वो आर्मी की जर्सी पहने हुए नजर आए, वो टेनिस खेलते हुए नजर आए, वो अलग अलग वेशभूषा में नजर आए, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर नजर नहीं आए। तो चलिए सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी को लेकर सौरव गांगुली ने जो स्टेटमेंट दिया AGM में क्या कुछ हुआ, AGM यानी कि रविवार के दिन AGM की बैठक में जो सबसे अहम मुद्दा था वो महेंद्र सिंह धोनी को लेकर था। तो महेंद्र सिंह धोनी को लेकर AGM में क्या कुछ बातचीत हुई है और सूत्रों के हवाले से खबर से जो निकल कर आ रही है उससे एक बात तो साफ है कि महेंद्र सिंह धोनी से अब सिलेक्शन कमेटी भी बात करेगी। खुद सौरव गांगुली ऑलरेडी बात कर चुके हैं और नतीजा यही निकल कर आ रहा है कि शायद महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर अब वर्ल्ड कप के लिए शायद विचार ना किया जाए। मैदान से महेंद्र सिंह धोनी की मोहब्बत को तो समझा जा सकता है, लेकिन ये मोहब्बत अगर थोड़ी परेशानी में बदली जाने लगे और कप्तान, टीम मैनेजमेंट, साथ ही सेलेक्टर्स को अगर परेशानी देने लगे तो फिर सोचना और उस पर सवाल खड़े होना बहुत लाजमी सी बात है। और इसी मुद्दे पे आज बातचीत करेंगे। क्रिकेटर्स के व्यूज़ आपने अक्सर सुने, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स के व्यूज़ आपने सुने, उस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ क्रिकेटर्स हैं और इस क्रिकेट के मैदान पर है। और हमेशा कहा जाता है सर कि क्रिकेट के मैदान पर हमेशा सच्ची बात होती है, तो सच्ची बात की शुरुआत लेते हैं और आपसे सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पर आप देखना चाहते हैं साल 2020 में, क्योंकि उन्होंने बड़ा साफ लफ्जों में कहा है कि जनवरी के बाद वो बताएंगे कि वो आगे क्या करने वाले हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अब ये टाइम आ गया है। महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत अच्छी सेवाएं की हैं हमारे देश की, इसका कोई वो नहीं है, परंतु अब टाइम आ गया है कि यंगस्टर्स को आगे आने दिया जाए और यंगस्टर्स बहुत पाइपलाइन में हैं। अब धोनी का टाइम आ गया है, उनको अब जवाब दे देना चाहिए। स्वयं वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, अगर वो खुद आकर जल्दी से इस बात को निर्णय दे दें तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन AGM में और सौरव गांगुली जो BCCI प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि बातचीत हो चुकी है, और क्या कुछ बातचीत हुई है वो पब्लिक में नहीं रखेंगे, देन इसका मतलब क्या निकाला जाए? इतना छुपाया क्यों जा रहा है? इतने बड़े खिलाड़ी के साथ रिटायरमेंट को लेकर इतनी बातचीत आपको लग रहा है ठीक है? देखिए, ये विडंबना है। इस भारत में जब भी बड़े बड़े प्लेयर्स का रिटायरमेंट होता है ना, तो हमेशा एक बहुत लंबा एक डिस्कशन चलता है इस पर, जबकि एक एज के हिसाब से और आने वाले यंगस्टर्स को देख के खिलाड़ी को स्वयं ये निर्णय ले लेना चाहिए कि हाँ, अब ये टाइम आ गया है और ये जो लुका छुपी चल रही है ना, इसको अब खत्म कर देना चाहिए। चलिए, हमारे साथ धोनी के पक्ष में भी काफ़ी लोग हैं, आपको क्या लग रहा है? आप सहमत हैं आपके जो साथी खिलाड़ी कह रहे हैं? इनकी सारी बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, महेंद्र सिंह धोनी ने जो भी कुछ देश के लिए किया है उसके अलावा एक फ़िटनेस का टेस्ट भी होता है। अगर फिटनेस टेस्ट महेंद्र सिंह धोनी पास करते हैं और अगर परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसके बाद में महेंद्र सिंह धोनी को टीम में अभी रखना चाहिए। नहीं, ऐसा अगर ऐसा है तो फिर तो किसी एथलीट को आप लागे क्रिकेट खिला दें, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का अगर आप रिकॉर्ड देखें, हम सब बहुत बड़े फ़ैन हैं महेंद्र सिंह धोनी के, उनके अचीवमेंट्स के, बट अगर आप वर्ल्ड कप या उससे पिछले एक साल में देखें तो उनके स्ट्राइक रेट में बहुत ज़बरदस्त तरीके का गिरावट देखने को मिली है। वो कोई बहुत बड़ी मैच विनिंग पारी नहीं खेल पाए, और ऐसे में सिर्फ नाम को लेकर ढोना आपको लग रहा है ठीक बात है? देखिए, चांसेस तो ये लग रहे हैं कि शायद जनवरी में महेंद्र सिंह धोनी खुद ही रिटायरमेंट की घोषणा पहले ही कर दें, लेकिन अगर उनको लगता है कि हाँ, वो खेल सकते हैं, फिट हैं, तो उनको चांस देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, और भी व्यूज लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके भी व्यूज ले लेते हैं। राजकुमार जी, आप विराट कोहली के कोच हैं और जाहिर सी बात है आप ये तो नहीं कहेंगे कि रिटायरमेंट ले लें, लेकिन जिस तरह की थोड़ी अफरा तफरी देखने को मिल रही है बोर्ड और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में, खींचातान अलग तरीके की देखने को मिल रही है, ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे, सही तरीका क्या होगा जिससे तस्वीर एकदम साफ हो जाए? देखिए, मेरा मानना है कि शायद धोनी को अब अपने आप आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर ये हार्श होगा कि उनके साथ कोई और उनके लिए डिसीज़न ले कि वो रिटायर हो जाएं या उनको ड्रॉप किया जाए, तो लेकिन अब काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी समय ले लिया है धोनी ने,
तो अब मेरे ख्याल से उनको आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि आगे वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ वेरी नियर और उस तरह की तैयारी फिर टीम मैनेजमेंट और टीम भी करती है, सेलेक्टर्स भी उसी तरह फिर प्रिपेयर करेंगे अगर वो नहीं हैं या वो हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, उसको शायद धोनी को खुद आगे आकर क्लियर करना चाहिए। चलिए राजकुमार जी वापस लौटेंगे आपके पास, रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। रितेंद्र, बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है, 9 और 10 जुलाई वो तारीख थी जब आखिरी बार हमने महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के मैदान पर देखा, इसके अलावा हमने उनको टेनिस खेलते भी देखा, हमने उनको जर्सी में भी देखा जब वो सैनिकों के साथ घूमते हुए नजर आए। क्या रीज़न आप देख रहे हैं, क्या एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वो रिटायरमेंट अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं और बोर्ड उनसे बात अगर कर चुका है तो वो बोर्ड भी अनाउंस नहीं कर पा रहा है? जी हाँ राजीव, महेंद्र सिंह धोनी कब वापस फील्ड पे आएंगे, कब खेलेंगे, अब ये सवाल बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था शायद थोड़ी ब्रेक के बाद धोनी आएंगे, खेलेंगे और भारत के लिए अच्छा करेंगे जैसे वो करते आए हैं इतने साल, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा भी लग रहा था शायद रिटायरमेंट आए, वो भी नहीं हुआ है। तो अब कब खेलेंगे एमएस धोनी, कब मैदान पे आएंगे, कब भारत जर्सी दोबारा डालेंगे, ये किसी को नहीं पता। स्पेकुलेशंस काफ़ी सामने आ रही हैं, लेकिन अभी असल में पिक्चर क्या है इसका किसी को भी कोई अनुमान नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूँगा पर्सनली कि भारतीय टीम के हक में, अगर भारतीय टीम इतना अच्छा कर रही है, एमएस धोनी की हमें अभी भी ज़रूरत है। T20 वर्ल्ड कप में अभी तक हमारे पास एक शॉर्ट शॉट विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है। ऋषभ पंत को चांस दिया गया, उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। संजू सैमसन की अभी जगह पक्की नहीं है। तो हमें T20 वर्ल्ड कप में एक एक्सपीरियंस जो जादू प्लेयर चाहिए और वो MS धोनी हो सकते हैं। तो अब MS धोनी को जल्द से जल्द बताना होगा कि वो कब वापसी करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि MS धोनी में अभी काफ़ी क्रिकेट बाकी है और वो भारत को और बड़े मैचेस जिता सकते हैं। और क्या पता T20 वर्ल्ड कप, जैसे उन्होंने छक्का मार के 2011 वर्ल्ड कप जिताया था, कुछ तस्वीर T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी हो और MS धोनी हमें जिताते दिखे। चलिए कुछ और लोगों के व्यूज भी लेते हैं, आपको क्या लग रहा है सर, जर कैमरे पे आपको देख के बोलना पड़ेगा, महेंद्र सिंह धोनी को खेलना चाहिए या नहीं, या रिटायरमेंट अनाउंस करना चाहिए? हमारे देश के जितने अच्छे फिनिशर हैं वो मेरे हिसाब से तो खेलना चाहिए, बल्कि फिटनेस पर मेहनत करनी चाहिए उनको और अभी उनकी ज़रूरत है। चलिए आपकी क्या व्यूज है सर, आइए। मेरे ख्याल से सर धोनी जी को इस वक्त रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये एक फैक्टर है जो खेल के साथ जोड़ा जाता है। चलिए एज फैक्टर, ये एक बड़ी चीज़ है, अब आपकी टीम से कोई देगा जब आप एज फैक्टर बोला जा रहा है यहाँ पे कि एज फैक्टर है, कैमरे पे देखिए बोल। जी मैं कहूँगा कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा फिनिशर नहीं है और अभी उनका कोई ऑप्शन भी नहीं है टीम इंडिया के पास के उनकी कोई जगह भी भर सके। तो चलिए आपने अलग अलग व्यूज आप सुन रहे हैं यहाँ पर, तमाम वो यहाँ पर क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट को समझते हैं और क्रिकेट जीते रहे हैं तभी अभी तक, आप देख सकते हैं अपने अलग अलग प्रोफेशन में होने के बाद भी इस क्रिकेट के मैदान पे हैं, इनसे भी आगे व्यूज़ लेंगे। हमारे साथ CPL जो कराते हैं सचिन, आपके व्यूज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप तमाम क्रिकेटर्स को देखते रहते हैं, आपके भी व्यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे हिसाब से जो मेरे साथी क्रिकेटर बीच ने कहा है कि अब समय आ गया है कि एज फैक्टर बहुत मायने रखता है क्रिकेट में और उन्हें अब हमें पंत को इस जगह रखना चाहिए क्योंकि ये राइट टाइम है पंत के लिए, उभरता हुआ क्रिकेटर है, गलतियां करेंगे तो सीखने को उतना ही टाइम है, आई थिंक उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान अलग अलग बैट की कंपनियों को ऑब्लाइज करने का काम किया और लगभग हर मैच में वो डिफरेंट बैट के साथ खेलते नजर आए और पहले संकेत शायद वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान मिल गए थे कि महेंद्र सिंह धोनी वापस क्रिकेट के मैदान पर नजर नहीं आएंगे। PCL मैदान से आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज, ब्रेक से पहले हमने बात महेंद्र सिंह धोनी के उस बयान को लेकर की जिसको लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया, साथ ही सौरव गांगुली के उस बयान की भी हमने चर्चा की ब्रेक से पहले, जहां पर सौरव ने ये कहा कि महेंद्र सिंह धोनी से वो बात तो कर चुके हैं लेकिन उस बात को वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखेंगे। यानी कि एक बात तो साफ है कि महेंद्र सिंह धोनी अब शायद बोर्ड और सेलेक्टर्स की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठते हैं और इसी वजह से आज हम इस क्रिकेट के मैदान पर आए और तमाम उन क्रिकेटर्स से चर्चा कर रहे हैं क्रिकेट को जीते हैं और क्रिकेट के मैदान पर हमेशा एक क्रिकेटर सच्ची
कह रहे हैं उनको पता है लेकिन वो बताएंगे नहीं, क्या करें अब फैंस तो परेशान है। बाकी थोड़ी एज तो हो चुकी है महेंद्र सिंह धोनी की, बाकी उन्हें यंगस्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बाकी संन्यास की घोषणा कर देनी चाहिए अब। संन्यास यही राइट टाइम है, एक मैच खेलें। अच्छा, एक रिटायरमेंट मैच दे देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है सर, अगर हम उन्हीं के ऊपर लटके रहेंगे तो नए जो हमारे टैलेंट है उसको चांस नहीं मिल पाएगा। मेन बात हमारी, और उन्हें भी धोनी का भी ये था कि धोनी को भी अगर चांस नहीं मिलता तो धोनी नहीं बनता वो। अब हमें अगर अगला धोनी चाहिए या अगला विराट कोहली चाहिए तो हमें औरों को भी चांस देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो चलिए, ये तमाम उन लोगों के व्यूज थे जो क्रिकेट के मैदान पर रहते हैं, क्रिकेट को समझते हैं और क्रिकेट को जीते हैं, और आपने भी अंदाज़ा लगा लिया होगा। और ऐसा नहीं हम महेंद्र सिंह धोनी के कोई क्रिटिक हैं, या हम सौरव गांगुली ने जो कोई स्टेटमेंट दिया है उसको हम यहाँ पर स्क्रूटनाइज करने के लिए आए। हम दरअसल सच आपके सामने लाने के लिए आए हैं, और तभी हम इस क्रिकेट के मैदान पर हैं जहां से आपको सही और सच्ची खबर बता रहे हैं। और सही और सच्ची खबर यह है कि ज़्यादातर व्यूज़, यानी कि अगर आप प्रतिशत में जाएं तो लगभग 70% लोग यही मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को जनवरी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उनको नए साल पे नए किसी युवा खिलाड़ी के लिए दरवाजे खोल देने चाहिए, क्योंकि संकेत बिल्कुल साफ़ है। संकेत पहले MSK प्रसाद ने बिल्कुल साफ दिए कि वो महेंद्र सिंह धोनी को वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट बैठते नहीं देखते हैं, और अब सौरव गांगुली का एक बड़ा बयान और AGM में जिस तरह से उनके नाम को लेकर चर्चा हुई उससे इस बात के संकेत तो साफ़ हैं कि क्रिकेट के इस महान कप्तान और इस महान कीपर के साथ साथ सबसे बड़े मैच विनर को शायद हम क्रिकेट के मैदान पर दोबारा देख पाए। लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि जिस तरह की विदाई सचिन तेंदुलकर को मिली, उस तरह की कुछ विदाई अगर महेंद्र सिंह धोनी को मिले तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। तो पीसर मैदान से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।